बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं प्रीलिम्स के लिए। देखिए प्रीलिम्स के लिए आपको सारे नोट्स को कॉपी नहीं करना। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि लक्ष्मीकांत उठाया, स्पेक्ट्रम उठाया और हमने उसका सिनॉप्सिस बनाना स्टार्ट कर दिया, शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। सो वैसा नहीं करना है, उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। सो व्हाट इज द डिफरेंस रिवीजन नोट्स के लिए क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्सेप्ट, ओनली दोज एरियाज वेयर यू आर हैविंग द स्ट्रगल, जिन एरियाज में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ कि एक रिविजन रजिस्टर बनाता हूँ, उस रिवीजन रजिस्टर को मैं 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, 6 पार्ट में, जितने भी सब्जेक्ट्स मेरे हैं उस पार्ट में डिवाइड करता हूं और हर एक सब्जेक्ट के जो की एरियाज जिनको मुझे लगता है कि एग्जाम कम से कम 2 बार और उसके अलावा और भी कई बार मुझे रिवाइज करना होगा, सो वही एरियाज मैं उस शीट के अंदर रखता हूँ। अब होगा क्या कि पहली बात तो ये कि जो आपके डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट थे आप उसको एग्जाम से पहले रिवाइज करके जा रहे हैं, दूसरा ये है कि आप कॉन्फिडेंट होंगे एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, आप कॉन्फिडेंट होंगे, सो ये आपको रिवीजन रजिस्टर इस तरह से हेल्प करने वाला है।